पूरे हरियाणा में किसानों ने सड़क जाम करके सरकार विरोधी नारे लगाए। यमुनानगर में टोल प्लाजा पर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह नेतृत्व में चंडीगढ़ हरिद्वार नेशनल हाईवे जाम किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन किसी ने भी आंदोलनकारियों को हटाने का प्रयास नहीं किया। किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। 12 बजे से 3 बजे तक के इस आंदोलन में हजारों की संख्या में किसान टोल प्लाजा पर पहुंचे। जो अध्यादेश इन्होंने लागू किए हैं, उनको कानून का रूप दे रहे हैं, उन्हीं का विरोध कर रहे हैं कि ये इन कानून बनाने से देश के अंदर जो ढांचा खड़ा होगा, वो देश का जो टोटल खाद्य सामग्री है वो चंद लोग ही उसको खरीदेंगे, और फिर पूरा देश उन चंद लोगों से खरीद के खाएगा, पूरा देश उनका ग्राहक होगा, जो बीच का मुनाफा होगा वो सारा चंद लोगों के हिस्से में जाएगा, जो और वो कम से कम भाव पे खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भाव पे बेचेंगे, जैसे 4 साल पहले दाल में किया, जैसे प्याज में किया। इसमें सर पूरे हरियाणा की क्या रणनीति है आज जो सरकार को घेर रहे हैं? देखिए, अभी तो हम संकेत दे रहे हैं कि किसानों का गुस्सा देख लें, देश के आढ़तियों व्यापारियों का गुस्सा देख लें। आज सैकड़ों जगह पर जाम है, हमें भी नहीं पता लोगों ने कहाँ कहाँ जाम लगा दिए, इतना लोगों में उत्साह है। वो हम एक का जो आक्रोश है किसानों का, वो सरकार के सामने पेश करना चाह रहे हैं हम 3 घंटे के लिए। लेकिन अगर सरकार अभी भी नहीं मानती है तो ये आक्रोश लड़ाई में बदलेगा। फिर चाहे सरकार में गोलियां मारे, लाठियां मारे, जेड़े कटवाए, जो सरकार ने करना है करे, लेकिन फिर सरकार से जो स्थिति है वो सरकार को भुगतने बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी सरकार को मान जाना चाहिए। आपने कोई फैसला लिया है कि आगे किस तरीके से कोई रणनीति बनाई? जी, पूरे देश के जो किसान संगठन है उनको एक मंच पे करके एक ही तरह का एक ही समय पे आंदोलन लड़ा जाएगा। किस चीज पे? देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे गृह मंत्री हैं वो अकल के अंदर तो बहुत पहले से हैं, अब वो आंखों के अंदर भी हो गए। जिनको फोटो नहीं दिखी, जिनको वीडियो नहीं दिखी, जिनको सिर फुटे नज़र नहीं आए, जिनको हड्डियां टूटी नज़र नहीं आई, पुलिस वाले लाठी मारते नज़र नहीं आए, सिविल कपड़ों में लाठी मारते नज़र नहीं आए, तो अगर लाठी चार्ज नहीं हुई, अगर उसका कोई ऑर्डर नहीं है, जो हमें पता चला है कि किसी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दिया, बड़ा गंभीर मैटर है, किसी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दिया, और जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दिया तो लाठी चार्ज किया कैसे, हमारे सिर कैसे फोड़े गए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज अभी तक क्यों नहीं हुआ? अगर वो गृह मंत्री उनका ये तो काम होगा, अगर लाठी चार्ज का ऑर्डर नहीं है फिर उन्हें मुकदमा दर्ज करवाना तो उनकी ड्यूटी होगी, नहीं करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। ऐसी अन्य खबरें देखने के लिए देखते रहे यस टीवी।